हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हम आज बात करने वाले हैं जिप्सम और पीओपी सीलिंग की, इन दोनों में सबसे बेहतर कौन सा है। तो ये है जिप्सम फॉल्स सीलिंग। आप इसे गौर से देखिए, हर साल बारिश में इसी तरह सीलिंग को रिपेयर किया जाता है, क्योंकि जिप्सम फॉल्स सीलिंग पानी का दुश्मन है। जिप्सम बोर्ड बारिश की पानी एक साल भी झेल नहीं पाता, नतीजा तो खुद देख ले। हालांकि वाटरप्रूफ बोर्ड भी आते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होने की वजह से उसे कोई नहीं लगवाते, उल्टा ये बार बार रिपेयर महंगा पड़ता है। जिप्सम बोर्ड के दोनों तरफ पेपर लगा होता है, बीच में जिप्सम पेस्ट होता, इसकी साइज 6/4 का होता है, जिसकी वजह से जिप्सम हल्का और लगाने में फिटिंग करने में आसान होता है। बात करते हैं पीओपी सीलिंग की, इसकी साइज 3/2 और 4/3 का होता है। इसे लोकल यानी किधर भी छोटे बड़े दुकान या साइट पे इसे तैयार कर सकते हैं। ये जिप्सम बोर्ड से काफी मजबूत और टिकाऊ होता है। इस पे एक दो बार बारिश की पानी से सीलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना नामी की कोई समस्या आती है। इसकी लाइफ जिप्सम बोर्ड के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। इसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छा होता है, जॉइंट खुलने का भी शिकायत नहीं होती है। मैं यही कहूंगा, जिप्सम से पीओपी शीट काफी अच्छा होता है हर मायने में। वैसे आपकी मर्जी, आपको क्या करवाना है अब हमें बताएं। आप क्या सोचते हैं, आप कौन से सीलिंग को ज्यादा लाइक करते हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.